सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है एक बार पढ़ते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। हमें कोई एक रीजन दे रखा है जहाँ पे हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है और किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो बनाना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट। हमें क्या दिया है कि ई का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, पर वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10^5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, वॉट आर द फोर्सेज एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 10^-7 कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं। हमें दो एक्सिस की ज़रूरत है, एक एक्स और एक जेड। ये जेड पॉजिटिव और ये जेड नेगेटिव। हमें क्या दे रखा है, एक डाइपोल दे रखा है। कहाँ है हमें, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड ई इज हाउएवर इंक्रीजेस व्हाट आर द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट, मतलब इस तरफ ई हमारा बढ़ रहा है। हमें डाइपोल दे रखा है, डाइपोल हमारा पता है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, डाइपोल। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू हो जाएगा हमारा, ताकि हमारे ये डाइपोल हो जाता है। सपोज करते हैं ये माइनस क्यू ले लेते हैं और ये प्लस क्यू ले लेते हैं, तो हमारा डाइपोल तो हमें पता होता है कि माइनस से प्लस की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको सपोज करते हैं डिनोट कर देते हैं पी से। ठीक है, तो अब हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें आता है फोर्स बाय नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म तो है नहीं है, क्योंकि बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है वो बात अलग है, पर यूनिफॉर्म तो है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेरिएबल है हमारा, क्या होता है वो फोर्स की वैल्यू होती है पी डॉट डी ई इंटू डी। डायरेक्शन में हमारा कुछ भी हो सकता है, डी एक्स लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, या लेक्चर थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर हमारा फोर्स निकालना है किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो रेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा डायरेक्शन किस तरफ है, डी ई इंटू डी जेड, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस तरफ है, जेड डायरेक्शन में वेरिएबल है। हाँ, अभी हम लोगों ने डी ई अपॉन इक्वल्स टू डी जेड, हमने क्या देखा कि किस रेट से चेंज हो रहा है, 10^5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद है, और हमको क्या दे रखा है कि टोटल डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट यानी कि पी, हमारा डायपोल जो लिया है उसका मूवमेंट पी हमारा क्या है, पी हमारा किसके इक्वल है, 10^-7 कूलम मीटर। अब वही फोर्स का फोर्स निकालते हैं, पी डी ई अपॉन डी जेड, वैल्यूज पुट करेंगे, -7 × 10^5 इक्वल्स टू 10^-2 न्यूटन। ठीक है, अब ये तो आ गया इतना, इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम, ठीक है, इन अ नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको क्या, थोड़ा अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए देखिए कि वेरिएबल हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ से बढ़कर यहाँ पे जा रही है, तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना, इंक्रीज है ना, तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, प्लस जेड की तरफ। और प्लस जेड में हमारा क्या आ रहा है, माइनस क्यू, यानी कि ये वाला, ये जो फोर्स हमारा करेगा वो कितना करेगा, क्यू ई फोर्स एक्वायर करेगा, ये फोर्स ज़्यादा होगी, ये भी फोर्स करेगा क्यू ई, पर ये फोर्स कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है। ये फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में,
ठीक है, नेगेटिव इसकी तरफ और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में। इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी है? ये वाली। तो ये फोर्स बड़ी है तो ये किस डायरेक्शन में ले जाएगी हमारे डायपोल को? इस डायरेक्शन में, यानी कि किस तरफ? नेगेटिव जेड की तरफ। वही हमको निकालना है। तो फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन देकर माइनस टेन के कैप न्यूटन। समझ में आ गया हमने माइनस टेन क्यों लिया? क्योंकि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि इसकी फोर्स ज़्यादा है। फोर्स क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा हमें क्या पूछा? व्हाट इज़ द टॉर्क? टॉर्क का तो भैया पढ़ा हुआ फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। साइन थीटा हमारा यहाँ पे क्या होगा? 180, क्योंकि एकदम 180 डिग्री पे है तो ये हो जाएगा जीरो। इजी था ना क्वेश्चन? नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी, एक हमें कंडक्टर दे रखा है विद अ कैविटी, इज गिवन अ चार्ज क्यू, और उसके ऊपर क्या है? कैविटी यानी कि कवरिंग है, और उसको चार्ज क्या दिया है? मेटल का ही है, और उसको चार्ज क्या दिया है? क्यू। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमें ये दिखाना है कि जो हमारा चार्ज है वो सारा आउटर सरफेस पर है, यानी कि बाहर बाहर है, अंदर इसमें बीच में जो स्पेस है यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या कॉन्ट्रोडिक्शन लेकर चलना पड़ेगा। पहले लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो उसको, इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रोडिक्शन। हम तो पहले मान के चलेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज है। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, और इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें गॉस लॉ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या लिया? एक गॉसियन सरफेस ली। सपोज करो ये गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है, और पी पॉइंट लिया है। हमको पता है इनसाइड मैटर, हमने ये थ्योरी क्लासेस में कर प्रूफ किया हुआ है कि किसी भी सॉलिड मेटल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। आपने स्पेयर वाला किया होगा, जब स्पेयर में हम तीन केसेस करते हैं, एक बाहर, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। आपने देखा होगा कि इनसाइड वाला हमारा क्या होता है? ज़ीरो, और ऑन द सरफेस जो होता है वो हमारा मैक्सिमम, और धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आर रेडियस बढ़ती जाती है। सिमिलरली यही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, यही उसी का है कि इनसाइड हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, फिर हम गॉसियन सरफेस क्या करते हैं? गॉस लॉ यूज़ करते हैं, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा कोई भी इनक्लोज सरफेस है, उसका लाइन इंटीग्रल इन विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? जीरो है। अपन लोगों को पता हुआ है, थ्योरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमारा इनक्लोज्ड, क्यू हमारा कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि जहां हमने गॉसियन सरफेस लिया है या जो भी हमारा कैविटी है उसके अंदर हमने कुछ भी कहीं पे भी लिया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और वहीं पे हमारा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां हमारा चार्ज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां जीरो होगा? उस सरफेस के अंदर कहीं पे भी। अगर उस सरफेस के अंदर कहीं पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, चाहे यहां पर भी नहीं है, तो कहां पे होगा? ऑब्वियसली बात है, सरफेस पर। यही हमको प्रूफ करना था कि जो हमारा चार्ज है, एंटायर चार्ज, वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है? आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट थोड़ा टिपिकल सा है, तो उसको जरा ध्यान से समझना। अभी हमने क्या कहा? अनदर कंडक्टर बी, ये जो हमारा कैविटी थी बाहर वाली वो सेम ए थी, बस ए के अंदर हमने बी कैविटी यानी कि ये वाली कैविटी और इंसर्ट कर दी है, जिस पर चार्ज क्या है? हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और क्या है? इज इंसर्टेड इन टू द कैविटी इंसुलेटेड फ्रॉम बी, और बी जो है वो कहीं पे भी ए से, इस ए से हमारा कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, यानी कि इंसुलेटेड है। अभी हमको क्या शो करना है? दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज क्यू प्लस क्यू। अभी हमें क्या दिखाना है कि जो आउटर सरफेस ए की है उस पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है? क्यू प्लस क्यू। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्ट। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह हम क्या करेंगे? लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम यहीं पे पी पॉइंट को ही मानते हैं और इसकी कोई गॉसियन सरफेस मानते हैं। गॉसियन सरफेस मानी,
उस गॉश लॉ की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ई डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारे जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा पता चल गया क्यू हमारा कितना है, जीरो है। जो इसके अंदर, इस दोनों कैविटी के अंदर जो हमारा क्यू चार्ज है वो हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ठीक है, पर यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, पहले से गिवन क्या है, प्लस क्यू चार्ज गिवन है। ये इक्वली यहाँ पर आकर जीरो तभी हो रहा होगा जब इसको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिल रहा होगा ताकि जीरो हो जाए। जब हमारे पास प्लस क्यू चार्ज गिवन है और इसको हमें जीरो बताया, यहाँ पे हमने पी पॉइंट लिया, इससे तो बाहर ही है, तो यहाँ पे हमने इस चार्ज को क्या बता दिया, जीरो है। तो कहीं ना कहीं इक्वली अमाउंट में हमारा नेगेटिव क्यू भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब वो एग्जिस्ट जस्ट इसके इस साइड यानी कि प्लस क्यू के आसपास कर रहा होगा। अब इस वाले मेटल सरफेस पर, यहाँ कैविटी के इनर साइड पे हमारा माइनस क्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा ताकि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू से हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और हमारा नेट चार्ज जो हमने पी पॉइंट लिया है वहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आया है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इन ए, ए की इनर सरफेस पर, ए कैविटी की इनर सरफेसेस पर हमारा चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। प्लस क्यू यहाँ पर है, उसको नेगेटिव यानी उसको जीरो करने के लिए, टोटल जीरो करने के लिए हमने माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया होगा अपने आप, माइनस क्यू आ गया। ठीक है, अब जब चार्ज इनर सरफेस पर माइनस क्यू है, अंदर कोई चार्ज है नहीं है, तो आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन से पढ़ा हुआ है ना, ये अगर हमारा नेगेटिव है और इसी को हम इसके पास लेकर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव इधर हो जाएंगे इंडक्शन की वजह से। वही नेगेटिव जब इस साइड आ गया तो प्लस आउटर सरफेस पर आ जाएगा प्लस क्यू, नेट चार्ज हमारा कितना हो गया, क्यू प्लस कैपिटल क्यू जो हमारा पहले ही गिवन था, प्लस क्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, प्लस स्मॉल क्यू जो हमने इस पार्ट में सॉल्व किया। नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत डिस्टर्ब या फिर रीडिंग ज़्यादा बताते हैं, इस टू बी शील्डेड, उससे हमें क्या करना है, शील्ड प्रोटेक्ट करना है ताकि वो किसी भी अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा रीडिंग्स ना दिखाए, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हमें उसको वो शील्ड करना है यानी कि प्रोटेक्ट करना है, तो हमें बताना है। बहुत ईजी, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने बता दिया कि चार्ज, जितना भी चार्ज है वो हमारे आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे या फिर इनर इनसाइड द कैविटी, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वो हमारा ऑब्वियसली प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, बस टू शील्ड एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को, सेंसिटिव डिवाइस को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो वो क्या करना पड़ेगा हमें, वी मस्ट कीप इट इनसाइड अ मेटलिक इनक्लोजर या सिलेंडर या स्पेयर, जो भी आप लोग इनक्लोजर ले लेते हैं बंद। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कहता है, अ हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टाइनी होल कट इन टू इट सरफेस। एक हमें हॉलो चार्ज कंडक्टर दे रखा है, हमें उसकी शेप नहीं बताई, बस कह रखा है वो अंदर से खाली है और बोला है कि उसकी सरफेस पे हमारा क्या है, एक छोटा सा होल है। शो दैट द ई इन द होल इज, अब हमें क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा होल में वो कितना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वे एन कैप इज द यूनिट वैक्टर और किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर दिस होल। अब हमें बताना है, ठीक है, ये प्रूफ करके लेकर आना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक हॉलो स्पेयर क्या, हमें क्या, हॉलो चार्ज कंडक्टर है, किसी शेप में अभी ले लो, स्पेयर में ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, पर अंदर खाली है। ठीक है, उसकी सरफेस पर क्या है, एक होल, सपोज करते हैं होल है ये ए बी होल है, ठीक है, होल हो गया हमारा, और हमें पता है कि सरफेस पे हमारी कितनी चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारी कितनी है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अभी जो हमने होल लिया है उसका एरिया मान लेते हैं ds, कुछ ना कुछ एरिया होगा, हमने मान लिया ds एरिया है हमारा इसका होल का, ओके। अब हमें बताना है कि ऑन द एलिमेंटल एरिया कंसिडर चार्जेस dq, हमारा जो हमने जो होल लिया है उसमें सपोज करते हैं कि q कोई चार्ज है dq, ठीक है। लिखते हैं पहले यहाँ पे कि एलिमेंटल एरिया जो हमने कंसिडर किया है ए बी कंसिडर्ड चार्ज, उसमें चार्ज मान लेते हैं हमारा क्या है dq, किसके इक्वल होगा सिग्मा ds, क्योंकि हमारा सिग्मा किसके होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ds, ठीक है। अब हम इस होल के आसपास दो पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं बी जो इसके बाहर की तरफ है, एक पॉइंट मानते हैं हम ये जो इसके अंदर की तरफ है, अंदर वाले को x मानते हैं। अपन लोगों को पता है कि E x हमारा जीरो हो जाएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हॉलो स्पेयर हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, इक्वल टू में जीरो आएगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। अब y डायरेक्शन में हम लेते हैं, जो हमने y पॉइंट, ये x पॉइंट हो गया, ये y पॉइंट हो गया, इसमें पता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, y इस आउटसाइड वाले डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ey, इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि एट पॉइंट, एक पॉइंट पे y है, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ey इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, किस सम के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एरिया प्रोड्यूस कर रहा है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेस्ट एरिया प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हमारे पास एक हॉलो कंडक्टर था, उसके हमने दो एरिया डिवाइड कर दिए, एक ए बी एरिया और ए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते सी, और दूसरा एरिया ए सी बी, तो जो हमारा टोटल एरिया है वो किसके सम के इक्वल है, ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए सी बी, तो वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई ए बी प्लस ई ए सी बी, इसके इक्वल होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू होगा, एक तो ए बी एरिया के थ्रू और एक रेस्ट एरिया के थ्रू। एट पॉइंट एक्स, ऐसे सिमिलरली एक पॉइंट जो हमने एक्स माना, वहां पे हमारा सम ही तो जीरो है पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो गिवन है, तो वो हमारी ई एक्स किसके इक्वल है, ई एक्स हमारा इक्वल्स टू जीरो है, वो हो जाएगा किसके इक्वल। अब यहाँ पे हम लेते हैं चार्जेस, एक जो पॉइंट लिया हमने, इसमें ई जो हमारे ए बी के यहाँ पे भी दोनों की तरफ दोनों एरिया की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ए बी की तरफ में इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा ई ए बी, यहाँ पे तो दोनों में बाहर की डायरेक्शन में, ई ए बी के थ्रू भी बाहर की डायरेक्शन में और एरिया ऑफ ई ए सी बी की डायरेक्शन में भी बाहर की। अब एक्स के पॉइंट में लेते हैं, जो ई ए बी है वो तो इस डायरेक्शन में है पर ई ए सी बी हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे ई ए सी बी सेकेंड, और हमको पता है किसके इक्वल है जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमें पता चल गया ई ए बी इक्वल्स टू ई ए सी बी, इसके इक्वल हो गया। यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी चीज को यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी चीज को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमारा ई वाई और बोले तो ई वाई इक्वल्स टू ई ए बी इक्वल्स टू ई ए सी बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जब इसकी जगह सेम पुट वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए बी प्लस ई ए बी टू ई ए बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई ए बी, हमारे किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। डायरेक्शन हम लोगों को सिंपल पता है कि वाई डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि हमें सिग्मा यहाँ पे क्या दे रखा है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपल सी बात है इसका जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होता है, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्या हो जाएगा प्लस, और जो कहाँ डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके लिए भी हमको क्या लिखना पड़ेगा थ्योरी, इफ लिखते हैं पूरा, इफ ए बी सेक्शन इज रिमूव, अगर हम ए बी सेक्शन को रिमूव, ये तो हमने वो माना है क्वेश्चन में क्या है इस एरिया को ही रिमूव कर दिया है, पर हमने इस एरिया को अलग से डिनोट करके ये पूरा सॉल्व किया है। इफ ए बी सेक्शन इज रिमूव,
अगर इस ए बी सेक्शन को रिमूव कर देते हैं देन ड्यू टू द वोल कंडक्टर पूरे कंडक्टर की वजह से देन ड्यू टू द वोल कंडक्टर पूरे कंडक्टर की वजह से जो भी हमारा विद होल इंक्लूडिंग होल ए बी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पे एट पॉइंट वाई हो या एक्स हो वो हमें किससे गिवन होगा एक्स और वाई पे दोनों सेम गिवन है ई ए सी बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप समझ में आ गया ई से बी यानी कि पूरे की वजह से ई एक्स पॉइंट पे या वाई पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट